हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखेंगे। तो जीएसटी सबसे पहले आता है, जीएसटी लागू कब हुआ? जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी का मॉडल है ना, वो लिया गया है, जीएसटी का मॉडल वो कनाडा देश से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है जीएसटी का मॉडल है। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य, जीएसटी का जो बिल है वो पारित करने वाला प्रथम राज्य था वो असम था। जीएसटी बिल लागू करने वाला प्रथम राज्य, जीएसटी यानी लागू करने वाला प्रथम राज्य था वो था तेलंगाना था। और जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया, जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। अब जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष, जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष थे। और जीएसटी का गठन, जीएसटी का गठन किया गया, गठन है वो अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। और जीएसटी पारित किया गया, यानी कि जीएसटी कौन से संविधान के तहत पारित किया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया, तो वह संविधान के 182 संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया है। और जो जीएसटी का अधिनियम है वो 100 संविधान के 101 के संशोधन के तहत किया गया है, लाया गया था अधिनियम। जीएसटी परिषद का मुख्यालय, जीएसटी परिषद का मुख्यालय है वो है दिल्ली। भारतीय जो राजधानी दिल्ली है ना, वहां पर जीएसटी परिषद का मुख्यालय। जीएसटी बिल के अध्यक्ष, जीएसटी बिल के अध्यक्ष होते हैं वो है भारत के जो वित्त मंत्री है, वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं, जीएसटी बिल के अध्यक्ष हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो जीएसटी बिल के अध्यक्ष हैं वो भारत के वित्त मंत्री होते हैं। अब जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या, जिन जीएसटी को अपनाने वाले देशों की संख्या है वो 160 है फिलहाल में। 160 देशों में जीएसटी चल रही है। अब जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश, यानी जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम देश है वो था फ्रांस था। जीएसटी के कितने भाग है? जीएसटी के कितने भाग है? तीन भाग है। मतलब है पहला सी जीएसटी, दूसरा एस जीएसटी, तीसरा आई जीएसटी। अब देखो सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी ये क्या होते हैं? सी जीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि सेंट्रल यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। अब आता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर। अब आता है आईजीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी अंतरराष्ट्रीय सेवा एंड सेवा वस्तु एवं सेवा कर। अब जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी है वो एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। अब देखो जीएसटी चोरी करने वालों को कितने वर्ष का कारावास होगा? क्योंकि जीएसटी की जो चोरी करते हैं ना, उनको 5 साल का कारावास का प्रावधान है। कम से कम 5 साल की सजा होगी उनको, 5 साल जेल में काटना पड़ेगा जीएसटी चोरी करने पर। और जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने का है? जो जीएसटी जो पंजीकरण संख्या होती है ना, जो जीएसटी नंबर होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं? 5, 15 अंकों के होते हैं। जीएसटी पंजीकरण संख्या 15 अंकों की है। और जीएसटी का ब्रांड अम्बेसडर, अम्बेसडर किसे बनाया? जीएसटी का ब्रांड अम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। फिलहाल में जो जीएसटी का ब्रांड अम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। इसी के साथ हमारा जो आज का जो वीडियो है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, वो खत्म होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं हमें, और हमारे चैनल स्काई स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज की क्लास हमारी जो है जीएसटी की वो खत्म होती है। धन्यवाद।